आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ लेसन प्लान अकॉर्डिंग टू न्यू फॉर्मेट। क्योंकि आप जानते हैं कि हर साल जो है फॉर्मेट चेंज होता रहता है लेसन प्लान का, सो आज के जो लेसन प्लान है वो बिल्कुल न्यू फॉर्मेट के अकॉर्डिंग है जो आजकल सबमिट हो रहे हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, आपने 20 लेसन प्लान्स बनाने हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मेट, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स को कवर करना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आपने 20 लेसन प्लान्स बनाने हैं तो 10 आप एक सब्जेक्ट के बनाने और 10 आप एक सब्जेक्ट के बनाने। ये यूनिवर्सिटी की तरफ से कंपल्सरी है कि आपने 20 लेसन प्लान्स बनाने हैं जिसमें आपने कोई से भी 3 सब्जेक्ट्स हैं वो कवर करने हैं। सो सबसे पहली चीज आ जाती है लेसन प्लान नंबर। लेट से कि फर्स्ट लेसन प्लान है आपका, तो यहाँ पे आप 1 लिख लेंगे। देन आ जाता है जी नेम ऑफ टीचर, इसमें आपने अपना नाम लिखना है। क्लास, क्लास में आप वो क्लास लिखेंगे जिसका आप बना रहे हैं लेसन प्लान। सब्जेक्ट में आ जाएगा जो सब्जेक्ट आप बना रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे फिजिक्स का लेसन प्लान मौजूद है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, जितने भी आप लिखना चाहें, 25, 30 और 40। ड्यूरेशन आ जाता है कि कितने टाइम पीरियड की आपकी क्लास थी, 45 मिनट्स भी हो सकता है, 30 मिनट्स भी हो सकते हैं। डेट आ जाएगी जिस डेट को आपने ये लेक्चर डिलीवर किया होगा। टॉपिक ऑफ द लेसन दैट इज ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जो सा भी टॉपिक आप इस लेसन प्लान में लिखेंगे वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट आ जाता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले आपने ऑब्जेक्टिव्स एक्सप्लेन करने हैं। ऑब्जेक्टिव्स की 2 टाइप्स आ जाती हैं, एक है जनरल ऑब्जेक्टिव और एक होता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव जो होता है वो होता है ओवरऑल लेसन के अकॉर्डिंग कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको स्टूडेंट्स सीखने के काबिल होंगे। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिवेल्प अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ साइंस, एम्फेसिस रोल ऑफ फिजिक्स इन लाइफ। अब ये ओवरऑल फिजिक्स के अकॉर्डिंग है, ठीक है। और जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है वो आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग होगा। टॉपिक है जैसे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, तो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या आ जाएगा, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, लर्न अबाउट हाउ वी यूज फिजिक्स इन अवर डेली लाइफ। नेक्स्ट हेडिंग है आपके पास टीचिंग मेथड। टीचिंग मेथड में आप कौन सा मेथड यूज करें आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने यूज किया है वो है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड के अकॉर्डिंग पूरा लेसन प्लान बनाया है। उसके बाद आ जाते हैं जी एवीएट्स। एवीएट्स में वो चीजें आती हैं जिनके थ्रू आप अपना लेसन जो है वो या अपना लेक्चर जो है वो डिलीवर करते हैं, जैसे कि व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड आप भी लिख सकते हैं। टेक्स्ट बुक आ जाती है, डस्टर आ जाता है, मार्कर होता है। इसके अलावा अगर आप कोई पिक्चर्स का यूज करें, कोई ग्राफ यूज करें, चार्ट यूज करें, तो वो भी आप इस पर मैंशन कर सकते हैं, इतनी स्पेसिफिक नहीं होते। नेक्स्ट हेडिंग इज प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में आपने वो क्वेश्चन लिखना होता है जो आपके टॉपिक से रिलेटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे मेरा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, तो इससे पहले बच्चों को पता होना चाहिए कि टोटल कितनी ब्रांचेस होती हैं और फिजिक्स होती क्या है, ठीक है जी। उसके बाद आपने अपना टॉपिक अनाउंस कर देना। अनाउंसिंग द टॉपिक में आप लिखेंगे टूडे वी विल लर्न अबाउट द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। नेक्स्ट आ जाता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में जो टॉपिक आपने चूज किया है उसका इंट्रोडक्शन आपने लिखना है, जैसे इसमें टाइप्स ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन में जो है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स एक्सप्लेन की गई है। अब ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स सिर्फ 3 तो नहीं है, इससे काफी ज्यादा है, लेकिन ऑब्वियसली हम सारी ब्रांचेस जो है वो इसमें मेंशन नहीं कर सकते। बेशक आप लेसन जब डिलीवर करेंगे उसमें आप सारी पढ़ाएंगे, लेकिन जो ये लेसन प्लान है इसमें आप सारी नहीं लिखेंगे, कोई सी भी 2 लिख लें या 3 लिख लें। अब ये डिपेंड करता है आपकी अपनी मर्जी पे, क्योंकि आपने अब जो लेसन प्लान सबमिट करवाने हैं वो किस तरह करवाने हैं कि जो भी आपने लेसन प्लान हैंड रिटन लिखा होगा उसकी इमेज लेंगे, स्कैन करेंगे, पीडीएफ बनाएंगे, एंड देन उसको जो है वो एक पूरी फाइल बना के पीडीएफ की वो सबमिट करवानी है 20 लेसन प्लान्स की। तो यूनिवर्सिटी की तरफ से ये शर्त है कि जो आपकी फाइल होगी पीडीएफ फाइल उसका जो साइज है वो 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 5 MB से थोड़ा सा भी ज्यादा होगा तो वो अपलोड नहीं होगी। सो इसलिए आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि आपने ये हेडिंग सारी कंप्लीट करनी है उसके अंदर। फॉर एग्जाम्पल, प्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन भी होना चाहिए, अनाउंसिंग, प्रीवियस नॉलेज, ये सारी टॉपिक आपने सॉरी सारी हेडिंग्स आपने जो है वो कंप्लीट करनी है, लेकिन उसमें मटेरियल आपने अपने सिलेक्टिव लिखना है ताकि आपकी फाइल बहुत ज्यादा हैवी ना बने। बहुत ज्यादा पेजेस बनेंगे तो ऑब्वियसली वो फाइल भी फिर बड़ी होगी। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये लाइन छूटी हुई है, ये लाइन छोड़ी हुई है, ये लाइन छोड़ी हुई है। सो आपने क्या करना है कि आपने ये लाइन्स नहीं छोड़नी ताकि आपका कम से कम पेजेस यूज हों और उसके ऊपर आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाए। नेटिव में आपने थ्रू क्वेश्चन आंसर्स करना है उसको इवेल्युएट। इवेल्युएट ये होता है कि आपने देखना है कि जो आपने लेसन प्लान डिलीवर किया था उसको स्टूडेंट्स ने किस हद तक जो है वो समझा है। अब सबमिटिव में देखें, 80% स्टूडेंट्स आर एबल टू आंसर द कंसेप्ट चेकिंग क्वेश्चंस एंड देयर कंसेप्ट्स आर क्लियर। जब आप अपने स्टूडेंट से क्वेश्चन करेंगे एट द एंड ऑफ द लेक्चर, स्टूडेंट्स उसका जवाब देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि जो आपने लेक्चर डिलीवर किया था
उसमें कितने परसेंट टॉपिक जो है वो कितने स्टूडेंट्स को क्लियर हो गए, और रिव्यू में आपने कोई से भी सवाल, ये वो सवाल होंगे जो आप इवेल्युएशन के लिए पूछेंगे। लास्ट हेडिंग आ जाती है होमवर्क। राइट द एग्जाम्पल्स ऑफ द मैटर इन योर डेली लाइफ। होमवर्क आप अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग कोई भी दे सकते हैं। सो यहाँ पे आपका फर्स्ट लेसन प्लान कंप्लीट हो चुका है। ये वो तमाम हेडिंग्स थी जो आपने मस्ट फॉलो करनी है। इसके बाद मैं आपको वन बाय वन लेसन प्लान दिखा देती हूँ फिजिक्स के, आप चाहें तो ये यूज कर सकते हैं अपने लेसन प्लान बनाने के लिए। इसी तरह आपने नेम ऑफ टीचर लिख दिया, क्लास, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, डेट, टॉपिक अनाउंसमेंट, जो टॉपिक आप लिखेंगे वो। अब जनरल ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक के अकॉर्डिंग एंड देन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। अब आप देखें तो इस लेसन प्लान में मैंने गैप नहीं दिया, यहां पे भी कोई लाइन नहीं छोड़ी और यहां पे भी लाइन नहीं छोड़ी। प्रीवियस नॉलेज आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द टॉपिक, एंड देन आ जाती है जी अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, फिर प्रेजेंटेशन, देन इवेल्युएशन, रिव्यू, सबमिटिव इवेल्युएशन एंड होमवर्क। आप चाहें तो इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप वीडियो पॉज करके भी लिख सकते हैं। दिस इज थर्ड लेसन प्लान। टॉपिक इज पावर। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग इसके जनरल ऑब्जेक्टिव हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, टीचिंग मेथड, एवीएड्स, प्रीवियस नॉलेज, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक एंड देन इंट्रोडक्शन, फिर प्रेजेंटेशन में जो जो चीजें आपने एक्सप्लेन करनी होंगी, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, सबमिटिव इवेल्युएशन एंड होमवर्क। नेक्स्ट लेसन प्लान इज अकॉर्डिंग टू द टॉपिक काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। इसके जनरल ऑब्जेक्टिव हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग मेथड, एवीएड्स, प्रीवियस नॉलेज एंड अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, देन इंट्रोडक्शन। जितने भी लेसन प्लान्स हैं सारे फिजिक्स के अकॉर्डिंग हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टू सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग भी मैं बहुत जल्द लेसन प्लान अपलोड कर दूंगी और एक वीडियो फुल भी बनाऊंगी जिसमें आपने इसके साथ कौन कौन सी चीजें लगानी है, जैसे कि अटेंडेंस है, आपका टाइम टेबल हो गया, सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग कौन कौन सी चीजें आपने वर्डिंग उसमें लिखनी है। फोर्स एंड मोमेंटम वाले टॉपिक की है ये। ट्रांसफर ऑफ हीट द टॉपिक नेम इज, देन इसके जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग मेथड्स, एवीएड्स, प्रीवियस नॉलेज, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, के बाद आ जाता है इंट्रोडक्शन, देन प्रेजेंटेशन, रिव्यू, सबमिटिव इवेल्युएशन एंड होमवर्क। एंड दिस इज द लास्ट लेसन प्लान ऑफ फिजिक्स। द टॉपिक इज सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जनरल ऑब्जेक्टिव्स, then specific objectives, teaching methods, previous knowledge and announcement of the topic, introduction according to the topic and then presentation, formative evaluation, review, submissive evaluation and then होमवर्क अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो लेसन प्लान सबमिट करवाए जाते थे उसकी आप अच्छी सी एक फाइल बनाते थे, उसे डेकोरेट करते थे, जो लेसन प्लान लिखे जाते थे वो भी काफी डेकोरेट किए जाते थे। सो इस दफा फाइल आपने हार्ड फॉर्म में तो नहीं बनानी क्योंकि आपने पीडीएफ फाइल सबमिट करवानी है। एंड सेकेंडली ये लेसन प्लान जो मैंने आपको दिखाया है इसमें आप थोड़ी सी अमेंडमेंट अपनी तरफ से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कोई आपके पास बुक पड़ी हुई है उससे पिक्चर्स काट के जो सेंट्रिपिटल फोर्स की एग्जांपल को शो कर रहा हो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की एग्जांपल को शो कर रहा हो, वो भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि आपकी लेसन प्लानिंग जो है वो बहुत ज्यादा पेजेस की ना बने ताकि आपकी फाइल का साइज जो है वो
5 MB के अकॉर्डिंग हो जाए। अगर बहुत ज़्यादा कुछ लोग इतनी भर देते हैं कि आपके जो हैं लेसन प्लान्स अगर 5 MB के हैं तो वो फाइल आपकी 10 MB 12 MB तक चली जाती है, देन जब आप उसको कंप्रेस करते हैं तो आपकी जो PDF होती है उसकी क्वालिटी बहुत लो हो जाती है। सो इस चीज़ का आपने ज़रा ख्याल रखना है कि थोड़ी सी अगर हो भी जाए, अगर 5 है तो चलें 6 MB 7 MB होगी तो बंदा इतनी साइज़ को कंप्रेस कर सकता है इजिली और क्वालिटी पे भी उससे इफेक्ट नहीं पड़ता। सो वीडियो यहाँ पे एंड होती है, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मैं बाकी दो सब्जेक्ट्स के भी लेसन प्लान्स बहुत जल्द अपलोड कर दूंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। आज की इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपके साथ फुल लेसन प्लान्स, फिजिक्स के 10 ये बने हुए हैं। आप चाहें तो इसको एग्जैक्टली यूज़ कर सकते हैं और चाहें तो इससे जस्ट आइडिया लेके अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग या अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है आप इनको बना सकते हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या आप चैनल पे नए हैं तो इसे पहले सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी हिट कीजिएगा ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके बाद मैं इंशाल्लाह मैथ्स के, कंप्यूटर के, केमिस्ट्री के, इंग्लिश के तमाम सब्जेक्ट्स के लेसन प्लान जो है वो 1 by 1 करके शेयर कर दूंगी। सो सबसे पहले वो चीज़ें आ जाती हैं जो हम बोर्ड फिलिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिस तरह टीचर नेम हो गया, रोल नंबर हम ऑब्वियसली नहीं लिखते, जो आपका सब्जेक्ट होता है उसका टॉपिक, क्लास, टाइमिंग, डेट, स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें जो हम मेंशन करते हैं। रोल नंबर जो BEd का आपका रोल नंबर होगा वही आपने यहाँ पे लिखना है। देन आ जाता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है जी ये फिजिक्स, और फिजिक्स के बाद आ जाएगा आपके पास टॉपिक। इनके अरेंजमेंट आप चेंज भी कर सकते हैं, ये स्पेसिफिक नहीं है। सब्जेक्ट है जी फिजिक्स, टॉपिक है एनर्जी एंड इट्स टाइप, क्लास 9th का ये टॉपिक है, एंड टाइमिंग आपकी होगी पीरियड की, जो टाइमिंग है 45 मिनट्स का पीरियड है, 30 मिनट्स का है, या आपने अपने अकॉर्डिंगली जो है वो लिख लेना है। उसके बाद डेट आ जाएगी जो भी आपकी डेट है, देन स्ट्रेंथ आ जाएगी 40 स्ट्रेंथ है, 30 स्ट्रेंथ है, जितनी भी आप स्ट्रेंथ यहाँ पे लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप आ जाता है SLOs। SLOs स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। इसमें दो आ जाते हैं, स्पेसिफिक एंड जनरल। तो वो क्या क्या होते हैं वो आप मेरी दूसरी वीडियो से देख लीजिएगा, यहाँ पे जस्ट मैंने जो है वो लिखती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जो हैं वो ऑब्जेक्टिव्स जो होंगे वो लिख लेती हैं। दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, आप जितने चाहें, ये डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर। देन आ जाता है AVIs। AVIs में आपके पास आ जाएंगे व्हाइट बोर्ड मार्कर, टेक्स्ट बुक, डस्टर्स एंड एक्सेट्रा। कोई चार्ट्स वगैरह आप यूज़ करते हैं वो भी आपकी मर्जी, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। देन मेथडोलॉजी आ जाएगी, जो मेथड आपने यूज़ किया है। उसके बाद आ जाता है प्रीवियस नॉलेज। प्रीवियस नॉलेज में जो क्वेश्चन आप उस टॉपिक से रिलेटेड जो है पिछले कोई पूछना चाहते हैं तो आप वो इसमें मेंशन करेंगे। देन अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक है, टुडे वी विल लर्न अबाउट द एनर्जी एंड द फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो भी आपका टॉपिक होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आ जाता है आपका मेन टॉपिक एनर्जी, जिस तरह है मेरा टॉपिक तो उससे रिलेटेड डेफिनेशन है ये, एंड देन फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। उसके बाद ग्रुप एक्टिविटी है, इंडिविजुअल एक्टिविटी है, देन CCQs हैं। CCQs स्टैंड्स फॉर कंसेप्ट क्लियरेंस क्वेश्चन, जो आप अपना टॉपिक क्लियर होने के बाद पूछते हैं स्टूडेंट से। देन होम टास्क हैं। उसके बाद आ जाती है फीडबैक। भी डिपेंड करता है, कुछ लोग फीडबैक की हेडिंग देते हैं, कुछ लोग इवैल्यूएशन की देते हैं। सो जो आपके जो हैं कहेंगे टीचर उसके अकॉर्डिंगली आपने अपनी ये हेडिंग्स दे देनी है। सो अब मैं 1 by 1 आपको दिखाती जाती हूँ, आप चाहें तो इनके स्क्रीनशॉट्स ले लें या वीडियो पॉज करके भी अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। सो ये है जी नेक्स्ट लेसन प्लान, ये भी है फिजिक्स का ही टॉपिक है, इसमें पावर, ये से रिलेटेड SLOs हैं, एंड देन AVIs, प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चन, आप चाहें तो यहाँ पे इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं। देन अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, एंड देन आ जाती है इसकी डेफिनेशन, ग्रुप एक्टिविटी एंड इंडिविजुअल एक्टिविटी। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने दो दो एक्टिविटीज़ ही लिखनी है, क्योंकि हमारे जो ट्यूटर थे उन्होंने कहा था कि आपने ग्रुप एंड इंडिविजुअल दोनों लिखनी है, सो हमने इसलिए ये दोनों लिखी हैं। नेक्स्ट आ जाता है जी हमारे पास टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, टाइम, डेट, स्ट्रेंथ, सब कुछ आपने अकॉर्डिंगली लिखते जाना है। इससे रिलेटेड SLOs हैं, AVIs, मेथडोलॉजीज, एंड देन प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चंस एंड अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। ये डेफिनेशन आ गई, एक्टिविटी, ग्रुप भी है एंड इंडिविजुअल भी है।
then CCQ questions and home task feedback. And the next lesson plan is on the topic physics ka lesson plan hai, topic hai force and momentum. ये इससे रिलेटेड SLOs हैं, एवीएट्स, मैथडोलॉजीज, टॉपिक की डेफिनेशन आ गई, ये है जी मोमेंटम की डेफिनेशन, एंड देन ग्रुप एक्टिविटी. ये वैसे ज़रूरी नहीं है कि आप एक पेज का ही बनाएं, क्योंकि 40 लेसन प्लान्स थे तो मैंने तो एक एक पेज के ही बनाए हैं. आप चाहें तो इसको ज़्यादा भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. और इनके अलावा जो उर्दू में बनाना चाहते हैं लेसन प्लान्स, वो उर्दू में भी बना सकते हैं. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसफर ऑफ हीट. SLOs, एवीएट्स, मैथडोलॉजी, सबसे मेन जो इसमें चीज़ होती है वो SLOs होते हैं, मैथडोलॉजी, प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चंस, एंड जो लास्ट पे आप देंगे इनको होम टास्क. एक्टिविटी पे जो है आजकल बहुत फोकस किया जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स ने हमारे आजकल एक्टिविटी बेस्ड ही हो गए हैं. सो इस पे आपने थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है. ये है जिसका होम टास्क और ये फीडबैक है. नेक्स्ट लेसन प्लान का टॉपिक है जी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स. इसमें आपने लिख लेने हैं जी SLOs, SLOs के बाद हैं जी एवीएट्स, ये आप देख सकते हैं, देन प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चंस, अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक, ये आगे फिजिक्स की डेफिनेशन ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में. फिर यहाँ पे आप एक दो तीन जितनी भी जो हैं ब्रांचेस डिफाइन करना चाहें, मैंने एक ही की हुई है, डैट इज़ बेटर. देन ग्रुप एक्टिविटी, इंडिविजुअल एक्टिविटी, एंड कंसेप्ट क्लियरेंस क्वेश्चंस, होम टास्क एंड फीडबैक. ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रिपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. इस टॉपिक से रिलेटेड SLOs हैं जी ये. एवीएट्स, मैथडोलॉजीज, प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चंस, एंड डेफिनेशन है. उसके बाद ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन आ जाएगी. देन ग्रुप एक्टिविटी, इंडिविजुअल एक्टिविटी, एंड लास्ट में फीडबैक. जी तो ये हमारा थर्ड लास्ट लेसन प्लान है फिजिक्स का, और इसका टॉपिक है रेस्ट, मोशन एंड टाइप्स. SLOs हैं इसके अकॉर्डिंग, एवीएट्स, प्रीवियस नॉलेज क्वेश्चंस, एंड देन अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक. डेफिनेशन आ जाती है जी रेस्ट की, देन मोशन की, फिर एक टाइप ऑफ मोशन बता दी गई है. अच्छा, इसमें मैंने एक ही एक्टिविटी लिखी है जो कि है इंडिविजुअल एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी मैंने इसमें नहीं लिखी. आप चाहें तो आप खुद से ऐड कर सकते हैं. CCQ क्वेश्चन सोचेंगे, होम टास्क एंड देन इसके बाद आपने फीडबैक भी लिखनी है. द सेकेंड लास्ट लेसन प्लान इज ऑन द टॉपिक सेंटर ऑफ ग्रेविटी. Here are the SLOs regarding this topic. Aviates, methodologies, previous knowledge, announcement of the topic. And then aa jata hai jee center of gravity se related, jo aapne padhana hoga topics related wo aapne yahan pe likhna hota hai. Group activity, individual activity bhi given hai. Then general knowledge questions hain. होम टास्क है, होम टास्क मीन्स जो आपने होमवर्क देना होगा वो यहाँ पे लिखेंगे, एंड देन है फीडबैक.
ये है जी हमारा लास्ट लेसन प्लान फिजिक्स का. 10 लेसन प्लान्स यहाँ पे कंप्लीट होने वाले हैं और इसका टॉपिक है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. कोशिश हम यही करते हैं जो जनरल टॉपिक्स होते हैं हम वो ही ले लें लेसन प्लान्स के लिए भी. SLOs, AVIATES, methodology, previous knowledge questions, announcement of the topic, and then आ जाता है इसकी definition, mathematical form है, and then acceleration है उसकी mathematical form है, फिर इससे related group activity है, एंड देन इंडिविजुअल एक्टिविटी, कंसेप्ट क्लियरेंस क्वेश्चंस, होम टास्क एंड फीडबैक.